भाजपा पार्षद और एमएलए ने क्या किया, भाजपा के सांसद ने क्या किया, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर के रहते हुए आम आदमी के नुमाइंदे ने क्या किया, उसके बिना हम डेवलपमेंट करवा लेते हैं। आपके तीन व्यक्ति होने के बाद इस पार्क के अंदर आपने क्या किया, ऊपर से नीचे तक इन्हीं की सरकार है, पर ये पब्लिक तरफ ख्याल नहीं देते। जो कूड़े में पड़ा था पहले कैसे होता था और आज कैसे होता बताइए ना। 15 साल पूरा होता जमाना था शीला दीक्षित का जमाना। लोग तो कहते हैं राम बाबू शर्मा को काटने के लिए उन्होंने तीन भागों में बांट दिया और बीजेपी बार बार कह रही बेड़ा गर्क हो गया। जब से तीन भागों में बांट बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया पब्लिक। अच्छा आप बताइए क्या हो। सर मेरा तो निवेदन है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 15 साल बीजेपी को हो गए, उससे पहले कांग्रेस का कई सालों का राज यहाँ पर रहा है। उन्होंने कैसी व्यवस्था बना करके यहाँ दे रखी है, इस चीज़ को उनको समझने की जरूरत है। क्या उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया है कि वो जाकर के चेक भी कर रहे हैं, जितना फंड वो एलोकेट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं कहीं फंड की बात, और उसकी क्या स्थिति, उसकी क्या स्थिति है अभी क्षेत्रों की, कूड़े की, पार्किंग की स्थिति और गलियों की स्थिति, हर चीज की स्थिति आप देख कर। जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, 15 कूड़े का बाहर और इन्हें संरक्षण देते हैं। जरा मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, कूड़े के पहाड़ हैं उसमें निगम का कहना ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा वो तो बाद में बोला गया, क्योंकि वो चिन्हित किया जाता है, वो जगह चिन्हित की जाती है, जगह चिन्हित की ये इन्होंने कुंदनगर के चिन्हित किया। पहाड़ तो 1984 से बना है, पहाड़ों की स्थिति कैसे है, ये कूड़ा डस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है इनको, वेस्ट कूड़े को। मैं फंड की जरा बात करूं, फंड की सर यदि बात कूड़े की किया जाए, जहां हम साइंस को लेके हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों में हर चीज से फॉलो कर रहे हैं। अब सिंगापुर में कूड़े को यूटिलाइज करके उसको यूज किया जा रहा है, उसका खाद बना रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो हम बीजेपी इन सब चीजों को आगे क्यों नहीं ला रही। अब जात पात धर्म इसको हटा के रोजगार, इन सब की बातें भी करनी चाहिए ना। आपने 370 लड़वाई उसकी तारीफ सुन रहे हो, आपने जो मुद्दे पे आपने काम किया एक्स वाई जी, आप उसकी तारीफ सुनना पसंद कर रहे हो। अब रोजगार पे ध्यान दीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर नहीं सर राम जी मेरी बात सुनिए, रोजगार की बात ये कहा जो कूड़े का पहाड़ है भाई, मीनाक्षी लेखी ने ये कहा कि ये जो कूड़े का पहाड़ है ये तो सौगात में हमें मिला, क्योंकि 1984 में ये जो कूड़े के पहाड़ थे वो यहाँ पर लाए गए। मैं आपसे हम इसे निस्तारण करने की मशीन खरीदना चाहते थे, राम जी वो मशीन नहीं खरीदने दी क्योंकि फंड ही नहीं। मैं आपकी बात अगली करता हूँ, मेरे पिताजी शराबी थे, मुझे सौगात में मिला, अब मैं भी शराब पीने लग जाऊं। मेरे पिताजी जुआ खेलते थे, सौगात में मिला, मैं भी खेलने लग जाऊं। अगर कोई चीज गलत आ रही है तो भगवान ने दिमाग में क्यों दिया है? अगर हमें भगवान ने दिमाग दिया है मतलब इसीलिए दिया है, उसने कुछ गलत कर दिया है तो